नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजकुंद्रा के पोर्नोग्राफी रैकेट केस में सलिल चोपड़ा अहम किरदार निभा रही हैं। शुक्रवार की रात मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सलिल चोपड़ा के साथ 8 घंटे लंबी पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। सलिल चोपड़ा के क्राइम ब्रांच संग बयान दर्ज करवाने के बाद उनसे और भी बातचीत की गई। ऐसे में सलिल ने हमें कई एक्सक्लूसिव बातें बताई। उन्होंने कहा, राजकुंद्रा मेरे मैटर थे, उन्होंने मुझे यह कहकर सूट में गुमराह किया कि जो भी सूट हम कर रहे हैं वो ग्लैमर के हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि शिल्पा शेट्टी को मेरे वीडियो और फोटो अच्छे लग रहे हैं, तो राजकुंद्रा ने मुझे विश्वास दिलाया कि न्यूड और पॉर्न आम बात है, सब यह करते हैं और मैं भी यही कर रही हूँ। शुक्रवार को सलिल चोपड़ा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफी रैकेट केस में प्रॉपर्टी सेल के ऑफिस बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। उनके बयान को 8 घंटे तक रिकॉर्ड किया गया। अपने बयान दर्ज होने के ठीक बाद सलिल चोपड़ा ने अपनी और भी बातें बताई। उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं अपना बयान कहां से शुरू करूं और कहां ख़त्म करूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी एक ऐसे स्कैंडल में फंसूंगी और मुझे क्राइम ब्रांच के सामने बयान देना पड़ेगा। जब मैं रात से मिली थी तो मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी और मुझे बड़ा ब्रेक मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शिल्पा शेट्टी का पति मुझसे गलत चीज़ें करवाएगा। सलिल चोपड़ा ने आगे कहा कि मैंने आर्म्स प्राइम के साथ एग्रीमेंट साइन किया था और फिर वीडियो बनाने लगी थी। ग्लैमस वीडियो से शुरू करने के बाद मैंने बोल्ड वीडियो किए, फिर आगे चलकर वह सेमी न्यूड हो गए और अंत में मैंने पूरी तरह न्यूड वीडियो बनाया। मुझे हमेशा कहा जा रहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब यह करते हैं और मैं भी वही कर रही हूँ। तो जब सब एक ही चीज़ें कर रहे हैं और मैं भी वही चीज़ें कर रही हूँ, तो मुझे विश्वास दिलाया गया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शिल्पा शेट्टी पर सलिल चोपड़ा ने बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिल्पा को उनके वीडियो और फोटो पसंद आते थे, यह बात उन्हें राजकुंद्रा ने कही थी। सलिल चोपड़ा ने कहा, राजकुंद्रा ने मुझे कई बार कहा था कि शिल्पा शेट्टी को मेरी फोटोज़ और वीडियो अच्छी लगी है, इसकी वजह से मुझे ऐसे वीडियो में काम करने का और मोटिवेशन मिला। जब आप शिल्पा शेट्टी जैसे लोगों से मोटिवेट होते हैं तब आप सही और गलत नहीं सोचते। उन्होंने आगे कहा कि जब मैंने देखा कि ऐसे वीडियो करने से मेरी तारीफ हो रही है तो मैंने सोचा चलो और करते हैं, और फिर यह पूरी चीज़ें मेरे साथ हुई। मुझे शिल्पा की मेरी तारीफ करने से काफ़ी खुशी मिली थी। हालांकि शिल्पा शेट्टी ने इन आरोपों को झुठलाते हुए कहा है कि उन्हें सलिल के कंटेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। इस पर सलिल चोपड़ा ने कहा, शिल्पा बिजी रहने वाले लोगों में से हैं, शायद वह भूल गई होंगी। राजकुंद्रा के बारे में सलिल चोपड़ा ने आगे कहा कि मैं राजकुंद्रा या शिल्पा शेट्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पोर्नोग्राफी रैकेट के खिलाफ हूँ। अगर आप महिलाओं से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं और फिर उनसे बोल्ड सीन्स करवा रहे हैं तो उन्हें बताएं कि हम पॉर्न वीडियो बना रहे हैं, ये ना कहें कि यह सिर्फ एक ग्लैमर है। सलिल चोपड़ा ने रोते हुए कहा, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि माँ बनने के बाद मेरा बच्चा ऐसी इंडस्ट्री में काम करे और ऐसे वीडियो बनाए। यह लोग बहुत मतलबी हैं और सब कुछ भुला देते हैं, यह सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं और ऐसा कंटेंट बनाते हैं। सलिल चोपड़ा से बार बार पूछा गया कि आखिर उन्हें इस बात का अंदाजा कैसे नहीं हुआ कि यह पॉर्न वीडियो है और कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा, देखिए, अगर आपको दिन रात यही कहा जा रहा है कि न्यूड होना कोई बड़ी बात नहीं, पॉर्न कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपके मन में यह बात बैठ जाती है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। वह आपको बार बार कहते हैं कि पॉर्न, न्यूड और ग्लैमर में कुछ फ़र्क नहीं है, और अगर यह बात मेरे मैटर मुझे कह रहे हैं तो मैं कैसे नहीं मानूंगी, राजकुंद्रा मेरे मैंटर है। जब सलिल चोपड़ा से पूछा गया कि उन्होंने राजकुंद्रा के खिलाफ जुहू पुलिस थाने में यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप के साथ शिकायत दर्ज करवाई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे केस वापस लेने के लिए कहा गया था। उन्होंने मुझे कहा कि खुशी परिवार तुम क्यों तोड़ रही हो। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि वह मेरा करियर खराब कर देगी, और मैंने केस वापस नहीं लिया। उस समय मैं बहुत कमज़ोर थी, मैं मुंबई में अकेले रहती थी, मुझे केस वापस लेने के लिए धमकियाँ दी जा रही थी। सलिल चोपड़ा ने यह भी कहा कि अब लोग कहेंगे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, लेकिन जहाँ से सवेरा वहीं से शुरुआत, अब मुझे समझ आता है कि मैं गलत थी। देखिए, मुझसे बंदूक की नोक पर यह सब नहीं करवाया गया था, लेकिन मुझे गुमराह जरूर किया गया था कि मैं जो भी कर रही हूँ वह गलत नहीं है। मैं और महिलाओं से अपील करती हूँ कि वह आगे आए और पोर्नोग्राफी रैकेट के खिलाफ अपना बयान दर्ज करवाए। सलिल चोपड़ा ने कहा कि वह कानून को मानने वाली भारतीय हैं और अब समझ चुकी हैं कि उनका काम कानून के खिलाफ था। जब उनसे कहा गया कि राजकुंद्रा और अन्य आरोपियों का कहना है कि वह पॉर्न नहीं बल्कि
एरोटिक फिल्में बनाते थे, तब सरली ने कहा लोगों को खुद उस कंटेंट को देखना चाहिए और जज करना चाहिए कि वह क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।